नमस्कार दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, APS यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश ने अतिथि विद्वानों हित वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें अतिथि विद्वानों हेतु वॉक इन इंटरव्यू सत्र 2021-22 और विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यानी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस में अतिथि विद्वानों यानी गेस्ट फैकल्टी के आमंत्रण हेतु निर्धारित प्रारूप एवं संलग्नकों तथा मूल अभिलेखों के साथ संबंधित विभागों अध्ययन केंद्रों में दिनांक 2 मार्च 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं और डिटेल। इसमें जो भी वॉक इन है उसमें जो डिपार्टमेंट है उसकी डिटेल है, शिक्षण सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिए यानी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस के लिए निम्नांकित संख्या अनुसार दिनांक 2 मार्च 2022 को पूर्वान 11 बजे संबंधित विभागों अध्ययन केंद्रों में गेस्ट फैकल्टी अतिथि विद्वानों हेतु आमंत्रण पत्र के निर्धारित प्रारूप एवं संलग्नों तथा मूल अभिलेखों के साथ प्रति पीरियड व्याख्यान के आमंत्रण हेतु वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। पात्र आवेदक वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि कोर्स कौन कौन से हैं। तो पहला है MSc रसायन नियमित पाठ्यक्रम, इसमें एक पोस्ट है अतिथि विद्वान की। फिर है BSc बायोकेमिस्ट्री स्ववित्तीय पाठ्यक्रम, एक पोस्ट है, और BSc केमिस्ट्री स्ववित्तीय पाठ्यक्रम, दो पोस्ट है। MBA HRD स्ववित्तीय पाठ्यक्रम, इसमें दो पोस्ट हैं। फिर है BA ऑनर्स लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें लोक प्रशासन की एक पोस्ट है पब्लिक एड के। फिर है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का एक पोस्ट है संबंधित सेमेस्टर के लिए। और फिर है BA LLB ऑनर्स, इसके लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में 400 रुपये प्रति पीरियड, एक पीरियड का समय 1 घंटे का होगा, कि दर से अधिकतम ₹1200 प्रति कार्य दिवस मानदेय भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में जो है आवेदन जो है नियम समय समय पर जो दिए गए हैं वो प्रभावशाली होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 2 मार्च 2022, इस दिन आपका जो है इंटरव्यू होगा। टाइम होगा 11 बजे और आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर। और इसमें गेस्ट फैकल्टी के जो पैनल वगैरह होंगे वहाँ पर विश्वविद्यालय से, उनके द्वारा जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको सभी आपके जो है रिकॉर्ड लेकर आने हैं, और ओरिजिनल और कॉपी और जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो सब आपको फिलअप करना है। अब आते हैं, तो इसमें आमंत्रण सूची विद्यालय निर्धारित मानकों तथा अकादमिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक अनुभव, विषय का प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार, प्रकाशित शोध पत्र, अन्य मान्य अधिभार, गेट, स्लेट, PhD इत्यादि के आधार पर किया जाएगा। यानी जो भी मैरिट बनेगी उसमें इन सभी का जो है वेटेज रहेगा। अगर किसी ने नेट किया है, स्लेट किया है, PhD किया है, तो उनके अनुसार से उनको क्या है वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। और कम से कम आपके पास 55% का अंक होना चाहिए स्नातकोत्तर में, PG में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए या समकक्ष उपाधि। ठीक है,
और ज़्यादा जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, विज़िट कर सकते हैं और गेस्ट फैकल्टी के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।